हैं Hind24 TV। जिला जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के धनुआ गांव में रामपुर के पूर्व प्रमुख नंदनी जायसवाल के बड़े भाई के चावल के गोदाम को क्षेत्राधिकारी संत प्रसाद उपाध्याय एवं नायब तहसीलदार संतोष सिंह ने अवैध चावल रखने की आशंका पर छापा मारा, लेकिन गोदाम में ताला लगा हुआ था, जिसके कारण गोदाम को सुबह तक सील करने का काम किया गया। इस दौरान पता चला है कि गोदाम में भारी मात्रा में अवैध चावल रखा गया है। फिलहाल गोदाम सील होने के बाद राजस्व विभाग की तरफ से एक लेखपाल और पुलिस प्रशासन की तरफ से दो पुलिस कर्मियों को मौके पर लगा दिया गया। गुरुवार की रात 9 बजे क्षेत्राधिकारी संत प्रसाद उपाध्याय एवं तहसील के नायब तहसीलदार संतोष कुमार सिंह और थाने के इंस्पेक्टर विजय शंकर सिंह सकरा रोड पर स्थित विनोद जायसवाल के गोदाम पर पहुंचे, जहां ताला लगा हुआ था। गोदाम संचालक को फोन लगाया गया, लेकिन नहीं आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने नायब तहसीलदार संतोष कुमार सिंह की देखरेख में गोदाम को सील कर सुबह जांच करने की बात कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि गोदाम के पीछे भी एक दरवाजा लगा है, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी एवं नायब तहसीलदार पुनः गोदाम पर पहुंचकर पीछे के दरवाजे को भी सील कर दिए। किसी प्रकार की गोदाम के अंदर छेड़खानी न हो, इसके लिए एक लेखपाल और पुलिस कर्मी की ड्यूटी पूरी रात लगा दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचने पर धनुआ गांव में हड़कंप मचा रहा।